झालावाड़ में आज क्लिसन थर्मल पावर प्लांट के बाहर देवरी गांव के ग्रामीण द्वारा थर्मल गेट पर जोरदार प्रदर्शन कर काली सिंह थर्मल पावर प्रोजेक्ट व अभियंता को ज्ञापन सौंपा गया। थर्मल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी और मूलभूत सुविधा सड़क पेयजल शिक्षा व अन्य सुविधा थर्मल प्लांट द्वारा नहीं दी जाने के विरोध में थर्मल गेट पर धरना प्रदर्शन किया गया। थर्मल पावर प्लांट द्वारा देवरी गांव की 525 बीघे में कृषि भूमि बिल्कुल कम रेट पर रोजगार शिक्षा सड़क व अन्य सुविधाएं देने का वादा किया गया था। अभी तक ग्रामीणों को इन सभी सुविधाओं से वंचित रखा गया है। प्रदर्शन करने के वाले सुरेंद्र सिंह, देवी सिंह, पवन पारिता, विद्या कमर हेमा, कंवर सोन और झाला आदि सैकड़ों की तादाद में ग्रामवासी मौजूद रहे। आप लोग थर्मल गेट पे किस लिए इकट्ठे हो रहे हैं? यहाँ पे किस चीज को, क्या मुद्दा है आपका जो आप लोग यहाँ पे? हमारे हक को रोजगार देना चाहिए, पानी की सुविधा, लाइट बिजली की सुविधा नहीं है, रोड की सुविधा नहीं है। क्या थर्मल प्लांट आया जब से हमें क्या सुविधा मिली है? हमें बोला गया था कि सब सुविधा के लिए फैक्ट्री खोली गई थी, यहाँ किस लिए खोली गई? फिर हमारी जमीनें ले लेके रख ली और फिर हमें सारे आश्वासन दिया था कि हम ये करेंगे वो करेंगे, क्या क्या है गाँव के लिए? अच्छा, तो रोड में भी जगह नहीं दी। अच्छा, आपके सड़क पानी कुछ भी थर्मल द्वारा? प्रशासन कह रहा है आपके गांव को नाम का करोड़ों रुपए सीएसआर फंड में पास होते हैं। 17,000 रुपए बीघा सूखी खेती दी है, जो 17,000 रुपए में क्या होगा? अच्छा, आज करोड़ों की जमीनों को तुमने 17,000 रुपए दिए। शिक्षा के आपके गांव में क्या करवाया गया? कुछ भी नहीं करवा रखा है। क्या बच्चा 7 किलोमीटर आकर किस तरह से आ रहा है उसकी, उससे पूछो। पूरा रोड खराब है, बच्चा पढ़ने आता है, पढ़ने आ रहा है वो किस स्थिति से आ रहा है किसी ने देखा है? आज यहाँ पहुँच रहा है किस स्थिति से पूछ रहा है पता चला है क्या? तो आपकी क्या मांग है प्रशासन से और थर्मल के द्वारा, आप क्या चाहते हो थर्मल से? थर्मल से ये चाहती है कि हमारे हर गांव के हर वासी से आज 9 युवकों को 10,000 पेमेंट होना चाहिए और सबको बताओ नौकरी देने का वो आश्वासन होना चाहिए। सब 4,000 में काम कर रहे बेचारे, कैसे 4,000 में खर्चा होता है पता हूँ मेरे को। अच्छा, नौकरी के अलावा और क्या मांगे हैं आपकी? नौकरी के अलावा कि जिन जिन को लाइट बिजली पानी की सारी की सुविधा हमें होनी चाहिए और हमारे सब परसेंट काट के हमें पैसा मिलना चाहिए। बच्चों के लिए शिक्षा और रोड, रोड के लिए भी सुविधा होनी चाहिए। हमारे गांव में हर क्षेत्र से आगे होना चाहिए, क्योंकि जब इतनी बड़ी ये इंडस्ट्री खोली है, पूरा पावर हाउस खोला, तो किस वजह से खोला था? हमें लोगों को सुविधा के लिए खोला गया था कि हमें रोजगार से मतलब मुक्त कराने के लिए, कि हमें गरीबों के लिए। आज हमें राजपूत समाज को यहाँ पर आकर खड़ा होना पड़ा, किस कारण से होना पड़ा है कि हमारे हस्बैंड उनको 4,000 में नौकरी और फिर भी कह देते कि तुम लायक नहीं हो और निकल जाओ नौकरी से। ये क्या अधिकारियों की ये है क्या? आप बीए पास होने के बावजूद भी इन अधिकारों गांव में टंकी आनी था, तीन टंकी आई, तीन और गांव में चल गई, मगर गांव में पानी की सहायता नहीं कोनी, रोड की नहीं कोनी, नाले पासरी, तो मगर गांव में कहीं की सहायता कोनी, थर्मल कहीं गांव जमीन है कि तो जमीन ले ली, मैं